गणेश चतुर्थी हो या अनंत चतुर्दशी, दोनों ही त्योहार पूरे धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये गणेश महोत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। यूं तो गणेश महोत्सव की धूम पूरे देश में नजर आती है, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की रौनक बेहद खास रहती है। गणेश चतुर्थी के दिन घरों और पंडालों में गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई थी और 10 दिनों के गणेश उत्सव के बाद आज गणपति बप्पा विदा हो जाएंगे। गणपति बप्पा के जयकारों के साथ महाराष्ट्र में बप्पा का विसर्जन शुरू हो गया है। ढोल नगाड़ों के साथ गजानन को विदा किया जा रहा है। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ गाकर लोग गणपति के अगले साल वापस आने की कामना कर रहे हैं। गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई प्रशासन और बीएमसी की ओर से भी खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। दरअसल अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन की परंपरा है। गणेश चतुर्दशी के 10 दिन बाद यानी 11वें दिन अनंत चतुर्दशी का त्योहार होता है और इस दिन धूमधाम से गणपति विसर्जन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।